दोस्तों, अगर आपके पैन कार्ड खो गए हैं, चोरी हो गए हैं या फिर फट गए हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही एक नए पैन कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंटआउट निकाल के आप कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाले है। इसके अलावा आप कहीं पर गए हैं और वहां पे आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ गई है, लेकिन आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आप ऑन द स्पॉट एक नए पैन कार्ड को ऑनलाइन से डाउनलोड करके दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ऑनलाइन पैन कार्ड को कैसे डाउनलोड किया जाता है, इसका कंप्लीट प्रोसेस आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कम्प्लीट ही देखें और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल से गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है पैन कार्ड डाउनलोड। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहाँ पे आपके सामने दो लिंक शो हो जाएगा, एक NSDL का और एक UTI का। अगर आपके पैन कार्ड NSDL से बना है तो आप सिंपली NSDL पर क्लिक करेंगे, अगर आपका पैन कार्ड UTI से बने हैं तो आप सिंपली UTI पर क्लिक करेंगे। तो आपका पैन कार्ड कौन सा कंपनी से बना है ये चेक करने के लिए आपके पैन कार्ड के पीछे आप देख सकते हैं आपके कंपनी का नाम, जिस कंपनी से आपका पैन कार्ड बना हुआ है। तो मेरा जो पैन कार्ड है वो UTI से बने हैं, तो इसके लिए सिंपली UTI ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, डाउनलोड ePen, और इसके नीचे क्लिक टू डाउनलोड, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ऊपर आपका पैन नंबर को एंटर करना है, नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, यानी आपका जो मंथ है और ईयर है वो दोनों फिल करना है। इसके बाद GST नंबर, इसको आप खाली छोड़ देना है, इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। और इस कैप्चा को आपको नीचे वाले बॉक्स में फिल करना है और इसके बाद सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो हम फटाफट से इसको फिल कर लेते हैं और इसके बाद सबमिट करेंगे। तो मैंने सारे फिल कर दिए हैं, उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करोगे आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ऊपर आपको पैन नंबर देखने को मिलेंगे, इसके बाद मोबाइल नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, और नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेंगे इन्फॉर्मेशन, आपको सिंपली यहाँ पे ओके कर देना है। और इसके बाद इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। तो हम इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे, नीचे आपको OTP मोड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एक OTP आएगा, उस OTP को आप किस प्रकार से रिसीव करना चाहते हैं। अगर आप मेल आईडी पे रिसीव करना चाहते हैं तो सिंपली ओनली ईमेल को सिलेक्ट कर लेना है, अगर आप मोबाइल पे रिसीव करना चाहते हैं तो सिंपली ओनली SMS को सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आप मोबाइल और ईमेल दोनों में मंगवाना चाहते हैं तो सिंपली बोथ ईमेल एंड SMS को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम सिर्फ मोबाइल पे मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए ओनली SMS को सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सिंपली उस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और सारे फिल करने के बाद सिंपली गेट OTP के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट OTP के ऑप्शन में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन का पॉपअप शो हो जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पे ओके के ऑप्शन में क्लिक कर देना, और इसके बाद आपके मोबाइल पे जो OTP रिसीव हुआ है उस OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो हमारे मोबाइल पर OTP रिसीव हो चुके हैं, हम इसको यहाँ पे फिल करेंगे। मैंने OTP फिल कर दी है और इसके बाद सिंपली सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद तो आपके सामने इस प्रकार का एक पेमेंट गेटवे शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको 8.26 रुपीज आपको पे करना होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको ईमेल आईडी एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पे बिल डेस्क के ऊपर क्लिक करना है और कंफर्म पेमेंट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म पेमेंट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे पेमेंट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश कार्ड, QR कोड, UPI। तो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड का डिटेल्स फिल करके पेमेंट करेंगे। तो मैंने डेबिट कार्ड का सारे डिटेल्स फिल कर दिए, आप सिंपली क्या करेंगे, मेक पेमेंट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप मेक पेमेंट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके बैंक की तरफ से एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो हमारे मोबाइल पर OTP आ चुके हैं, हम इसको यहाँ पे फिल करेंगे। बैंक OTP फिल करने के बाद सिंपली सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक लिंक सेंड किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे मोबाइल पे लिंक आ चुके हैं। आपको सिंपली क्या करना है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। आपके सामने ई पैन कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन शो हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद ओपन करेंगे तो आपका पैन कार्ड कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप एक नए पैन कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंटआउट निकाल के आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।